बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत होंगे। मैं आपका भाई एहसन अल फतेह बीज चैनल से आपकी खिदमत में न्यू वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। सब किसान भाइयों को पता है कि बरसीम की और लूसन की बहुत ज़्यादा काश्त होना शुरू हो गई है, क्योंकि बरसीम काश्त करने का टाइम अब शुरू हो चुका है। हमारे पास जो बीज हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के दो बीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक घोड़ा मिश्री, जिसको घोड़ा मिश्री हाड़ू बोलते हैं, इसका बीज है, और दूसरा बीज है काली बरसीम का। बहुत ही अच्छा बीज है हमारे पास काली बरसीम का, आप दोस्तों के साथ वो शेयर करेंगे और इनके रेट और इनका जो ज़्यादा टाइम तक चलने वाली दो वैरायटियां हमारे पास हैं, आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। आप दोस्तों ने कोशिश करनी है हमारी वीडियो पूरी देखनी है, स्किप करके वीडियो नहीं देखनी, पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो आपको तरीकाकार भी बताएंगे काश्त करने का। जो किसान दोस्त DAP नहीं डाल सकते, उसके मुतबादल हम आप दोस्तों के साथ एक ऐसी खाद जो बहुत ही कम कीमत में आपको मिल सकती है और उसका फ़ायदा भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। 3-4 साल से मैं खुद बरसीम काश करता हूँ, तो हम क्या तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बरसीम है उसकी बात करेंगे, बीज वो आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास है हाड़ू, घोड़ा बरसीम जिसको बोलते हैं हाड़ू मिश्री। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग शानदार बीज, शाइनिंग बहुत है बीज पे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। काचनी से पाक है, साफ शफाफ है, किसी किस्म का कोई कचरा वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। ये है घोड़ा मिश्री जो हाड़ तक लो देगी, फुल सर्दी में भी बहुत तेज़ी से आपको ये लो है ना, कटाई है, बहुत तेज़ी से होगी, रुकेगी नहीं, फुल सर्दी में कोहरे के अंदर भी नहीं रुकेगी। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त बीज है ये, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में न्यू गला मंडी हुजरा रोड चूनिया, न्यू अल फतेह स्प्रे सेंटर चूनिया, बहुत ही अच्छी अच्छे अच्छे बीज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अभी दूसरी बरसीम की, काली बरसीम की हम बात कर लें। पहले आपको बीज दिखाएँ, माशाल्लाह बीज चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा बीज, क्वालिटी में भी इसके अंदर कचरा काचनी वगैरह अदर बूटियों का जो दूसरी और जड़ी बूटियाँ उनसे पाक है। ये हमारी काली बरसीम का बीज जो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में न्यू अल फतेह स्प्रे सेंटर से मिल सकता है। तो ये भी जो बीज है हार जेड तक चलने वाली वैरायटी है, तो बहुत ही शानदार है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो बरसीम के अंदर बीमारियां आती हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो हमारे भाई हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। तो अभी हम बात कर रहे हैं, बीमारी आती है जब हम काश्त करते हैं। एक तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, DAP बहुत महंगी है, जो छोटे किसान ज़िम्मेदार हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या काम करे, कलर रूढ़ी, देसी रूढ़ी जो भैंसों का गोबर होता है, वो बरसीम काश्त करने से पहले 1 एकड़ में 4 ट्राले रूढ़ी डाल लें। DAP पाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऊपर आपको इसका ये फ़ायदा होगा यूरिया भी कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर यूरिया कम से कम इस्तेमाल होगी तो बीमारी नहीं आएगी, जो बरसीम के जड़ के गलाव आता है, जिसको गलाव बरसीम के तने के अंदर जड़ के अंदर गलाव आता है, वो बीमारी भी नहीं आएगी। कलर डालते हैं उसके बाद आपको यूरिया बहुत ही कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। DAP की जगह जगह पे ज़मीन में गोबर वो डालें, हल चला के पहले अच्छे तरीके से बना के आप बरसीम काश कर लें। जब दूसरा पानी आपने वैसा लगाना है खाली, तीसरे पानी में आपने 1 एकड़ में
एक बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फर आपने डाल देना है। जब आप एक बोरी यूरिया 2 किलो सल्फर आप डाल देंगे, उसके बाद आप पानी फिर लगाएंगे, आपकी पहली कटाई हो जाएगी। जब आपकी पहली कटाई हो जाएगी, उसके बाद आपने यूरिया नहीं डालनी, आपकी बरसेम उसी तेज़ी जैसे आप यूरिया डालते हैं उसी रफ्तार में आएगी। अगर आप 1 एकड़ में 3 रेड़ी आप कलर दोबारा खाली के अंदर फ्लड कर दें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरसेम नहीं रुकेगी, ऐसे जैसे आपने 2 बोरियां यूरिया लगा दी, इतनी स्पीड फास्ट में ग्रोथ करेगी। और रूढ़ी के साथ आपने क्या करना है, 2 केजी फी एकड़ के हिसाब से दोबारा फिर सल्फर फ्लड करना है। आप सल्फर फ्लड करेंगे, एक तो फंजीसाइड होता है, बीमारियों से पाक फसल को करता है, रोकता है बीमारियों को, तो एक आपकी जो बरसेम है ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ग्रोथ करेगी, कटाइयाँ आपकी ज़्यादा होंगी। यूरिया नहीं डालनी, अगर यूरिया डालने से आपका गलाव होता है तो फिर हम लोग, कुछ लोग इलियट करते हैं, कोई फोसिटाइल एल्युमिनियम करता है, कुछ और दूसरियाँ स्प्रे बहुत करते हैं। तो जैसे आप यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें और रूढ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट आएगा। बरसेम आपकी फुल सर्दी में, कोहरे के अंदर भी आपका जो ग्रोथ करती आएगी, ऐसे करेगी जैसे भागती आएगी, आपसे कटिंग नहीं होगी, इस तरह ये ज़्यादा बरसेम ग्रोथ करती है कलर डालने से। तो उम्मीद है मेरे दोस्त इस बात में अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी तक आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ फिर आते हैं।